हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, राजस्थान पीटीईटी 4 वर्षीय काउंसलिंग की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। तो इस वाले वीडियो में बात करेंगे काउंसलिंग की डेट कितनी बढ़ा दी गई है और पहली लिस्ट कब जारी की जाएगी, काउंसलिंग कब से कब तक आप लोग करा सकते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो शो का। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं पीटीईटी की ऑफिशियल साइट पर हूँ। ऑफिशियल साइट पर जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि काउंसलिंग की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। पहले इसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 16 अगस्त, जो कि बढ़ा के कर दी गई है 22 अगस्त 2022। ये आपको ध्यान में रखना है। तो 7 अगस्त 2022 से काउंसलिंग शुरू होकर अब ये चलने वाली है आपकी 22 अगस्त 2022। बात करें कॉलेज चॉइस फिलिंग, कॉलेज आप चूज़ कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है 7/8/2022 से 24/8/2022। ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट लिस्ट की बात करें तो फर्स्ट लिस्ट जो है आपकी 24/8/2022 को जारी की जाएगी, ठीक है। 28/8/2022 को आपकी पहली लिस्ट जारी की जाएगी। एडमिशन फ़ीस, यानी कि जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, कॉलेज अलॉट होने के बाद जो 22,000 रुपये फ़ीस जो है वो आपको जमा करनी होगी 29/8/2022 से 5/9/2022। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो काउंसलिंग की जो डेट है वो बढ़ा दी गई। आप लोगों के पास एक और मौका है काउंसलिंग करवाने का। तो अगर आप जिन बच्चों ने काउंसलिंग में अभी तक हिस्सा नहीं लिया है, जिन बच्चों ने काउंसलिंग नहीं करवाई है, उन लोगों के पास एक सुनहरा मौका है काउंसलिंग करवाने का, यानी कि 22 अगस्त 2022 तक आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी दे दी है और पहली लिस्ट कब तक जारी की जाएगी वो भी मैंने आपको बता दिया। तो पहली लिस्ट जो है आपकी 28 तारीख को जारी की जाएगी। कल मैंने वीडियो बनाया था शाम को 5 बजे, जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें जो भी कॉमेंट्स आए थे बच्चों के, उन सभी कॉमेंट्स का रिप्लाई मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। पहला कॉमेंट से बच्चे का आया था, सर मेरा जाति प्रमाण पत्र 6 महीने पुराना है, चल जाएगा क्या? दिसंबर 2021 में बनवाया था। दिसंबर तो 6 महीने कैसे हुआ, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है ना तो 6 महीने से ज़्यादा पुराना होना चाहिए, 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। आपने दिसंबर 2021 में बनवाया था, ठीक है, तो आप जोड़ लीजिए दिसंबर 2021 से अगस्त चल रहा है, ठीक है, अगस्त चल रहा है तो 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आप नया बनवा लीजिए। अगला कॉमेंट से बच्चे का आया था, सर मैं आर्ट्स SC कैटेगरी से हूँ, 2 ईयर्स तो 43 नंबर हैं, क्या कॉलेज मिल जाएगा क्या? सर आपके 243 नंबर हैं, ठीक है, कैटागरी है आपकी SC, ठीक है, आर्ट्स से हैं आप, एक काम कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल कीजिए और ऑल राजस्थान चूज़ कीजिए, आपको कॉलेज मिल सकता है। अगला कमेंट से बच्चे का आया था, 2 ईयर वेट की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 2 वर्षीय वाले जो बच्चे हैं उनकी जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो 15 सितंबर के बाद शुरू हो सकती है। रीज़न ये है कि अभी तक काफ़ी कॉलेज ऐसे हैं जिनके अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किए गए, जिनमें से BA सेकेंड ईयर और BA प्रीवियस जिनके रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। सर मेरे 353 मार्क्स हैं 2 ईयर्स आर्ट्स जनरल में, आपको कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। अब देखिए अगला जो कमेंट्स आया था बच्चे का, ये कह रहे थे कि 353 नंबर हैं आर्ट्स जनरल से, होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल जाएगा क्या? सर एक तो आप जनरल हैं, ठीक है, 353 नंबर आपके हैं, तो होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज ये मान के चलिए 80% चांस है कि आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल जाए। 384 साइंस 2 ईयर OBC कैटागरी होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल जाएगा, जी हाँ 100% आपको कॉलेज मिल जाएगा आपके होम डिस्ट्रिक्ट में, इसमें कोई शक नहीं है। आपने 10 कॉलेज भरे हैं, 10 कॉलेज में आपको एक कॉलेज आपको मिल जाएगा। और मान लीजिए अगर आपको इरफान जी, अगर आपने 10 कॉलेज भरे हैं मान लीजिए और आपके पसंद के अनुसार आपको कॉलेज ना मिला, जैसे कि मान लीजिए 10 कॉलेज आपने फिल किए हैं, 10 कॉलेज फिल करने के बाद उन 10 कॉलेज में आपको एक कॉलेज मिल जाता है और आपके कॉलेज आपको पसंद नहीं है, आपको आपके पास का कॉलेज चाहिए, तो उस स्थिति में आप अपवर्ड मूवमेंट भी कर सकते हैं और अपने मन पसंद का कॉलेज ले सकते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है इरफान खान जी। अगला कॉमेंट्स एक बच्चे का आया था, सर 2 ईयर्स BEd आर्ट्स PTT में 341 मार्क्स हैं, वीडियो होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल जाएगा क्या सर लिस्ट में? तो देखिए आपके 341 नंबर हैं, ठीक है, कैटागरी आपकी क्या है? कैटागरी तो आपने लिखा ही नहीं कि कैटागरी क्या है आपकी, तो मैं कैसे बता दूं कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिलेगा? देखिए अगर आप कमेंट्स करते हैं तो कैटागरी जरूर बताइएगा कि आप कैटागरी क्या है आपकी। देखिए इसने, इस बच्चे ने क्या लिखा है,
है तो कैटागरी वीडो होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो कैटागरी जरूर लिखा कीजिए, ठीक है। तो 341 नंबर में आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल सकता है, चांस कम है, लेकिन हाँ ये मान कह सकते हैं कि 70% चांस है कि आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल सकता है। एक बच्चे का कमेंट्स आया था, एक बच्चे का, सर मेरे 291 नंबर हैं और मैं SC कैटागरी में आती हूँ। तो एक काम कीजिए, 291 नंबर अगर आपके हैं और आप SC कैटागरी से आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल कीजिए, और दूसरी बात ये ऑल राजस्थान ज़रूर चूज़ कीजिए आप, ठीक है जी। हाँ, आपको कॉलेज मिल जाएगा, 291 नंबर अगर आपके हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, जो मैंने आपको तरीका बताया है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल कीजिए आप और ऑल राजस्थान चूज़ कीजिए। अगला कमेंट, सर मैं OBC कैटागरी से हूँ, साइंस 2 ईयर BEd के लिए एग्ज़ाम दिया, 344 नंबर आए मेरे, 344 नंबर हैं आपके और OBC कैटागरी हैं और साइंस हैं आप। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल कीजिए आप और ऑल राजस्थान ज़रूर चूज़ कीजिए। सर PTT 4 ईयर्स वालों की दूसरी जो लिस्ट है वो कब तक आएगी? दूसरी लिस्ट की तो बात की बात है, पहली लिस्ट पहले आ जाए, दूसरी लिस्ट तो बात की बात है, ठीक है। सर OBC आर्ट्स 295 नंबर हैं, क्या कॉलेज मिल जाएगा? OBC आर्ट्स 250 नंबर, चांस कम है, लेकिन फिर भी आप काउंसलिंग करवाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल कीजिए और ऑल राजस्थान चूज़ कीजिए आप, ठीक है। सर मेरे PTT 2 ईयर्स मेल जनरल कैटागरी से 380 नंबर हैं, साइंस से हूँ, रैंक है 7842, मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा क्या? सर चांस कम है, 90% चांस है कि आपको आपके फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम हो सकता है। 90% मैंने कहा है, 100% नहीं कहा है, क्योंकि आप जनरल कैटागरी है ना, बात यह है। तो फर्स्ट काउंसलिंग में और फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम 90% हो भी सकता है और 90% नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ अगर हम दूसरी लिस्ट की बात करें, दूसरी लिस्ट में आपका नाम ज़रूर हो सकता है। अगला कमेंट्स, सर आर्ट्स से SC कैटागरी फीमेल 2 ईयर 345 नंबर हैं, क्या कोटा डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल जाएगा? चांस कम है, 80% चांस है कि आपको कोटा डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल सकता है। सर प्लीज़ रिप्लाई, मैं ST कैटागरी से हूँ, मैं साइंस से हूँ, 2 ईयर्स कॉलेज मिल जाएगा 292 नंबर में दूसरी लिस्ट में। ST कैटागरी, हाँ जी हाँ, आपका दूसरा लिस्ट में नाम हो सकता है, ठीक है, तो वेट करिए दूसरी लिस्ट का। साइंस हैं आप, हाँ मतलब साइंस हैं आप, तो दूसरी लिस्ट में नाम तो मुश्किल है आपका, तीसरी लिस्ट में आपका नाम हो सकता है, दूसरी लिस्ट में तो चांस कम है फिलहाल। सर मेरे OBC आर्ट्स 2 ईयर्स 342 नंबर है मेरे, होम डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा? होम डिस्ट्रिक्ट में चांस कम है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल कीजिए और ऑल राजस्थान चूज़ कीजिए आप। सर मेरे 282 आर्ट 2 ईयर्स, मुझे कॉलेज मिल जाएगा क्या? SC कैटागरी हैं, 242 नंबर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चूज़ कीजिए और ऑल राजस्थान चूज़ कीजिए आप, ठीक है। सर मेरे 244 नंबर हैं आर्ट्स, OBC कॉलेज मिल जाएगा? चांस कम है फिलहाल, कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। सर आर्ट्स SC से हूँ, 290 नंबर है मेरे, 2 ईयर कॉलेज मिल जाएगा? जी हाँ मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चूज़ कीजिए, जब काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाए उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चूज़ कीजिए और ऑल राजस्थान चूज़ कीजिए आप। सर मेरा नाम सपना है, मैं कोटा से हूँ, 330 नंबर आर्ट से हूँ, मुझे कोटा में कॉलेज मिल सकता है क्या? सर कोटा से हैं, कैटागरी क्या है आपकी? सपना कोटा से हूँ, 330 नंबर हैं, मुझे कोटा में कॉलेज मिल जाएगा? आपने अपनी कैटागरी तो बताई नहीं है, बिना कैटागरी से मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। सर मेरा OBC 2 ईयर्स 342 नंबर है मेरा, फर्स्ट लिस्ट में नाम हो सकता है? फर्स्ट लिस्ट में नाम चांस कम है, लेकिन हाँ दूसरी लिस्ट में आपका नाम हो सकता है। 2 ईयर्स की कब होगी शुरू, प्लीज़ रिप्लाई। 15 सितंबर के बाद ही, जो 2 बरसे वाले जो बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। सर आर्ट्स फीमेल से 2 ईयर्स में 272 हैं, कॉलेज मिल जाएगा क्या? सर SC 2 ईयर्स से तो दूसरी लिस्ट में आपका नाम हो सकता है, कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल कीजिए और ऑल राजस्थान चूज़ कीजिए आप। अगला कमेंट्स, साइंस कैटागरी OBC 348 नंबर, ये बीकानेर से हैं, होम डिस्ट्रिक्ट में पूछ रहे हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल सकता है। 348 नंबर साइंस, चांस कम है, 70% चांस है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल जाए और दूसरी लिस्ट में आपका नाम हो सकता है। सर OBC आर्ट्स फीमेल 288 कॉलेज मिल जाएगा क्या? सर OBC आर्ट्स फीमेल 288 हाँ मिल सकता है, दूसरी लिस्ट में आपका नाम हो सकता है। सर मेरे नंबर 274 हैं, आर्ट्स कास्ट SC है, काउंसलिंग करा सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, काउंसलिंग करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल कीजिए और राजस्थान जरूर चूज़ कीजिए आप।
सर 280 आर्ट्स कॉलेज भरतपुर मिल जाएगा, कैटेगरी तो आपने लिखी ही नहीं, कैसे मैं बता दूं? सर मेरा बीएड टू ईयर में 268 नंबर है, ओबीसी से फीमेल आर्ट्स कॉलेज मिल जाएगा। बीएड टू ईयर 268 नंबर ओबीसी से, चांस कम है, ये मान के चलिए 60% चांस है कि आपको कॉलेज मिल जाए, लेकिन काउंसलिंग जरूर करवाइए आप। 333 नंबर साइंस से हूँ, ओबीसी फीमेल हूँ, कॉलेज मिल सकता है क्या सर? कैटागरी की ओबीसी है, 333 नंबर है, जी हाँ मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल कीजिए और ऑल राजस्थान चूज़ कीजिए आप। सर मैं एमबीसी आर्ट कैटागरी से हूँ, 259 नंबर है मेरे, मुझे कॉलेज मिल सकता है ये? चांस कम है फिलहाल, काउंसलिंग करवाइए आप। अब देखिए इनके 300 नंबर हैं आर्ट्स टू से, कैटागरी की एमबीसी है, राजस्थान कर दूंगा तो कॉलेज मिल सकता है, 303 नंबर में कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी कैटागरी 278 पर कॉलेज मिल सकता है, काउंसलिंग करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल कीजिए और ऑल राजस्थान चूज़ कीजिए आप। आय प्रमाण पत्र फादर का चाहिए, अपना काउंसलिंग के लिए फादर की गवर्नमेंट जॉब है, चल जाएगा क्या सर? या अपना ही बनवाना पड़ेगा, फादर का ही बनवाना पड़ेगा, ठीक है? मान लीजिए अगर आपके फादर की गवर्नमेंट जॉब है और माता की गवर्नमेंट जॉब है, ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनना, अगर आपके फादर की गवर्नमेंट जॉब है और माता जी की भी गवर्नमेंट जॉब है, दोनों की गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको जो स्कॉलरशिप है उसके लिए आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आपके सिर्फ और सिर्फ फादर की गवर्नमेंट जॉब है तो आप आवेदन कर सकते हैं, इसलिए आपको आय प्रमाण पत्र जो है अपने फादर का ही बनवाना पड़ेगा, ना कि खुद अपना। 372 आर्ट्स एससी कैटागरी, जी हाँ कॉलेज आपको बिल्कुल मिल जाएगा, कोई शक नहीं इसमें। 341 नंबर है ओबीसी आर्ट कॉलेज मिल जाएगा, जी हाँ मिल जाएगा, फर्स्ट लिस्ट में तो आपका नहीं मिलेगा ये मान के चलिए, ठीक है, क्योंकि ओबीसी हैं आप इसीलिए। सर मेरे 347 नंबर हैं ईडब्ल्यूएस फोर ईयर्स, कॉलेज मिल जाएगा। फोर ईयर्स में 347 नंबर हैं इनके और ईडब्ल्यूएस कैटागरी है, जी हाँ फर्स्ट लिस्ट में तो नाम आपका नहीं होगा ये मान के चलिए, दूसरी लिस्ट में आपका नाम हो सकता है। अब देखिए एक बच्चे ने ये कमेंट्स किया था, सर ये क्या फालतू में डेट आप बढ़ा रहे हैं, मतलब डेट एक्शन कर रहे हैं। तो देखिए योगेंद्र जी, जब मैंने वीडियो बनाया था तो उस समय जो डेट थी काउंसलिंग की वो नहीं बढ़ी थी, हमारे वीडियो बनाने के बाद, यानी कहने का मतलब वीडियो अपलोड करने के बाद जो डेट है काउंसलिंग की तब बढ़ाई गई थी, ठीक है, हमारे वीडियो अपलोड करने के बाद। सर 217 में कॉलेज मिल जाएगा क्या सर? फीमेल एस सी आर्ट्स से हो, चांस बहुत ही कम है, नहीं मिलेगा ये मान के चलिए आप। जी हाँ हो जाएगा, 318 एससी में आपका हो सकता है। टू ईयर की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? मैंने आपको बताया है 15 सितंबर के बाद ही 2 वर्षीय वालों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। सर मैं 353 ओबीसी फीमेल साइंस से हूँ, क्या हमको कॉलेज मिल जाएगा? जी हाँ मिल सकता है, लेकिन आपका जो नाम है वो दूसरी लिस्ट में हो सकता है, फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं हो सकता। सर मैं काउंसलिंग करा लूँ? सर मैं काउंसलिंग करा दूंगा, नंबर आ जाए तब, मैं नहीं कराना चाहता तो पैसे वापस आ जाएंगे। देखिए मान लीजिए कि अगर आप लोगों ने आपने काउंसलिंग करवाई, काउंसलिंग करवाने के बाद आपको कॉलेज नहीं मिला और आपने जो 5,000 रुपये फीस है वो जमा कर दी, ठीक है, तो इसमें से 200 रुपये काट के 4,800 रुपये वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। और मान लीजिए कि आपको कॉलेज मिल गया, कॉलेज मिलने के बाद आपने 22,000 रुपये फीस आपने जमा नहीं की, तो 5,000 रुपये काट कर, सॉरी 5,000 जो आप जमा थे 400 रुपये काट कर 4,600 रुपये आपके रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। इतने ही कमेंट्स हैं बच्चों के, सभी कमेंट्स का रिप्लाई मैंने इस वीडियो में दे दिया है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप हमसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, रिप्लाई देने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद जय भारत।